अस्सलाम वालेकुम, यह है डिमांड चैनल। मैं हूं डॉक्टर दानिश। पान खाना सबको पसंद है, पान हमारी सकाफत का भी हिस्सा है और ये हमारी यादगार है पुराने दौरों की, जब हमारे बड़े पान खाया करते थे। तो सोचें कि अगर आपको पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन पान खाना हो तो आप कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जगह है, वो कौन सी जगह है जहाँ पे आपको ऐसा पान मिले जो कहीं और ना मिले? तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए ऐसी ही जगह जहाँ पे बड़े बड़े लोगों ने पान खाया। आज हम भी खाएंगे, आप भी खाएंगे। आए चले चलते हैं और देखते हैं ज़बरदस्त सा पान। आओ भाई आओ, पान खाओ, पान ताज़ा ताज़ा पान, मीठा मीठा पान, ज़बरदस्त खुशबू वाला पान, इलायची वाला पान, चॉकलेट वाला पान, मैंगो वाला पान, ये सब कुछ आपको मिलेगा शाही पान वाले के पास। और शाही पान वाले वो है जहाँ बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े नाम पान खाने के लिए आते हैं। एक नहीं, दो नहीं, कई सैकड़ों सेलिब्रिटीज यहाँ से पान खा के जा चुकी हैं और बार बार जब भी उनका पान खाने का दिल करता है, मन ललचाता है, तो वो कहते हैं अगर हमने पान खाना है तो हम जाएंगे शाही पान वाले के पास, क्योंकि शाही पानदान और शाही पानदान वाले ही असली पान के वारिस हैं और पान की सकाफत के वारिस हैं। आइए हम बात करते हैं जबरदस्त सेटअप के भाई से, इनके करता धरता से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई, नाम क्या है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा नाम मोहसिन है जी। मोहसिन भाई बताएं, कब बनाई ये शॉप और क्या इसके पीछे आइडिया था? ये वालिद साहब ने स्टार्ट किया इस काम को, तकरीबन 35 से 40 साल हो चुके हैं माशाल्लाह। तो बस एक कल्चर शो किया है एंटीक मुगल बादशाहों के ज़माने का, जब से पान स्टार्ट हुआ है तो उसी स्टाइल से हमने ये दुकान का जो है सेटअप अपना, सारा सेटअप आपने अपनाया। और आपको कितना अरसा हो गया इसको संभालते? मुझे भी तकरीबन 15 से 20 साल हो गए माशाल्लाह जी, यहीं के ऊपर उनको संभालते हुए 15-20 साल से वो एक ज़बरदस्त जायका दे रहे। आपने इतनी सारी वैरायटी के पान यहाँ पे रखे हुए, तो ये जो इतनी सेलिब्रिटीज यहाँ पे आई, इनका फेवरेट पान कौन सा था और आपका बेस्ट पान कौन सा? सभी की अपनी अपनी चॉइस है, हमारा जो है रेगुलर मीठा पान मोस्टली ज्यादा यूज होता है किया जाता है, तो बाकी ये हर एक की अपनी अपनी पसंद है। बाकी ये जो आए हुए हैं हमारे पास, ये इवेंट्स वगैरह पे हम जाते हैं, कोई सरकारी यानी कि वफद आया हो पाकिस्तान विजिट पे तो हमें वहाँ पे स्पेशली बुलाते हैं, स्टॉल लगाते हैं हम, तो हमारा पाकिस्तान कल्चर दिखाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल ही बाहर के लोगों को भी आपका ही पान पेश किया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है। तो कैसा महसूस करते हैं अभी आज के दौर में, पान के बारे में क्या कहेंगे? अभी भी है लोगों का क्या दौर में? तो जैसा पान पहले चलता था वैसा तो नहीं, अब तो एक नशे के तौर पर यूज होता है, लेकिन हमारे पान में अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 साल के बच्चे से लेके और 60-70 साल के बुजुर्ग तक खा सकते हैं, उसमें कोई ऐसी नुकसानदेह चीज़ नहीं है। हमारा पान एक शिफा है, इसमें प्यार मोहब्बत और खलूस है, प्यार मोहब्बत और खलूस है और पाकिस्तान का असली रंग है। तो ये बताएं कि आपने जो ये सेटअप माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त चला रहे हैं, इस सेटअप के आगे मुस्तकबिल कैसा देखते हैं? और अभी जैसे हालात मुश्किल हैं पाकिस्तान में, उसके बारे में क्या कहें? मुश्किल हालात तो बस सभी के लिए है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस चल, लेकिन उम्मीद बंदे को लगा के रखनी चाहिए अल्लाह से, तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे आज। जबरदस्त सर, हमारे चैनल का थीम ये है कि हम ये दिखाते हैं पूरी दुनिया को कि पाकिस्तानी जो है वो मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल हर फील्ड में पाकिस्तान से बेहतरीन बंदा कोई नहीं है। ऐसे ही है। तो हम आपके पास जो आए हैं वो भी हम यही दिखा रहे हैं पूरी दुनिया को कि चाहे पान है, चाहे खाना है, चाहे स्पोर्ट्स है, कोई भी है, उसमें पाकिस्तानी किसी से पीछे नहीं, किसी से पीछे नहीं। तो आपका सेटअप देख के इतनी उम्मीद मिलती है कि पाकिस्तान के हालात जैसे भी हो, जितने भी हम मुश्किल में, हम इससे बाहर निकलेंगे और हम पूरी दुनिया को इंशाल्लाह डोमिनेट करेंगे। आपका पॉजिटिव मैसेज दें कोई पाकिस्तान के बारे में, जो आप कहना चाहें, आपके पूरा मौका बताएं, कोई अच्छा सा मैसेज। बस मेरा मैसेज यही है कि आजकल के नौजवान फारिग फिर रहे हैं, कोई जनाब मेरी नशे पर लगा हुआ है, कोई कुछ है, तो मेहनत करनी चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करता है। अच्छा, ये जो जबरदस्त सा ड्रेस पहना हुआ है आपने, ये मुगल शाही खानदान से मिलता जुलता, इसके पीछे क्या राज है, ये क्यों पहना और ये आउटलुक इस तरह बनाने की क्या वजह? बस ये जिस दौर से पान स्टार्ट हुआ है, पान मेन जो है मुगल बादशाहों के दौर से ही स्टार्ट हुआ है, तो हमने वही सेटअप, वही अंदाज, यानी कि आप मुगल शहजादे
अब बस वो है अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहिए, बस यान का सेटअप वो, लेकिन हम कह देते हैं शहजादा बैठा हुआ है, जनाब शाही पान वाले खानदान वाले बैठे हुए हैं। इस्लामाबाद में हम मौजूद हैं, मेलोडी मार्केट है ये फूड स्ट्रीट, यहाँ पे आप आए बेहतरीन पान पाकिस्तान का दावे के साथ, पाकिस्तान में इसके बराबर का पान शायद ही कहीं और आपको मिलेगा, और जितने लोगों को इन्होंने खिलाया अब हम भी खाएंगे इंशाल्लाह ताला, हम भी आपको बताएंगे कि कैसा है। भाई क्या आपने मैसेज सुन लिया है, हार नहीं माननी, रोना नहीं है, हिम्मत करें, मुश्किल वक्त ही इंसान को काबिल बनाते हैं, जब प्रेशर आता है कोयले के ऊपर तभी वो हीरा बनता है। जी मीठा मीठा पान जबरदस्त से तैयार हो रहा है मेरे लिए, और वो भी शहजादे के हाथ से, तो जी जरूर ये देखें पान बन रहा है, और अब आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव रिव्यू। बड़ा मुगल जबरदस्त, वो पानी क्या जिससे मुंह पे लाली ना है, जबरदस्त जी जबरदस्त भाई जान, वाकई बेहतरीन, इससे अच्छा पान मैंने नहीं खाया अभी। आप भी आए, सिर्फ यहाँ पे आके ना खाएं, अगर आपके लिए कोई जाती इवेंट है, कोई शादी है, ब्याह है, कोई और फॉर्मल इवेंट है, कोई आपकी मीटिंग है, कोई डेलीगेशन है, जैसे उन्होंने बताया, आप आए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, इनको बुक करें, बड़े बड़े इवेंट्स पे ये जाते हैं, हर तरह के इवेंट्स पे जाते हैं, पाकिस्तान का अगर आपने बेस्ट पान और अपनी सकाफत का रंग फीचर करना है तो शाही पानदान वाले आपके लिए हाजिर हैं, आप आएँ। कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि पान के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आज भी पान खाना के शौकीन हैं आप लोग या नहीं है, और साथ ही साथ इस जगह के बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी बताइएगा, और हमेशा की तरह सासों ने वफा की और पाकिस्तान से मोहब्बत का सिलसिला जारी रहा, और हम इस बात पे कायम रहे कि भी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, लिव इन पाकिस्तान एंड प्रमोट पाकिस्तान। मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो में दिखाते हुए एक और जबरदस्त पाकिस्तानी सेटअप, तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद दानिश इजाज, जुनेद हसन और डिमांड चैनल की पूरी टीम को दें इजाजत, अल्लाह आपको इस जमान में रखे, बेहतरीन किस्म का पान खाते रहें, खाना खाएं, इंजॉय करें, जिंदगी को इंजॉय करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।